गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूप सागरजातं सहगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरं धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रज्ञा केशव इति नामिने। अतिमर्थ चरित्राय स्वसरिता नंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। हरिभार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंत हारिणी। नमः गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबधे पादंबुजाय ते नमः। नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रजदेवी सत्यवतये नमो नमः। जयतां सुरतरुपङ्गुर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधा मदनमोहनौ दिव्यादवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठलिभिर्शिवमान स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षण वेणुसुनिर्गोपि गोपीनाथ श्रियस्तु न श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दावनाला सम संसार दहने दग्ध जीवाकुला उदय कारणी करुणा वारिदा
राधा। और इधर इधर कर दो उसको। Yeah.
Thank you.
एकादशी भजन का है नहीं दूसरा श्री हरि वासरे हरि, उसमें देखो श्री हरि वासरे हरि एकादशी का कीर्तन श्री हरि वासरे हरि, छोटे में नहीं होगा ना, नहीं तो गा लो शुद्ध भक्त चरण शुद्ध भक्त गा लो, सबके पास में है निकाल दो शुद्ध भक्त Thank you.
आरंभ कर कौन नष्ट करेगा Thank you.
राधे जय जगह जय राधे Thank you.
हरे कृष्णा गाओ जय गाओ कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश सह गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग ने गत कल्या श्रवण कर रहे थे कैसे जीव मरने का बाद उसका क्या गति होता है, कैसे जमदूत उसको गर्म रेतियों को ऊपर में घिसड़ते हुए ले जाते हैं और दो तीन मुहूर्त के अंदर में 99,000 योजन तक उसको ले जाते हैं, और जब उसको ले जाते हैं वहाँ पर कैसे जीव जैसे जैसे कर्म करता है कर्म अनुरूप कैसे जीव दुख भोग करता है, हैं कहाँ पर तो क्या देखता है अपना मांस को कोई कोई खुद काट करके खा रहे हैं, कभी देखता है किसको ज्वलंत अंगार को द्वारा किसको जला रहे हैं और किसको हैं कोई किस किस को शरीर को कुत्ते कैसे शरीर को काट रहे हैं। गृध गृध समझते हो चील बोलते ना गृध क्या बोलते हो गृध हाँ कैसे गृध कैसे उसको उसको जो नाड़ी भुड़ी को कैसे खींच खींच कर कैसे खाता है, किसको सर्प काट रहे हैं किसको बिच्छू काट रहे हैं, ऐसे जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको ठीक वैसे वैसे उसको कर्म का फल भोग करता है। इसलिए कतगले हम लोगों ने ये श्रवण किया था, लेकिन जो तत्वविद गण वो क्या कहते हैं कहते यहीं पर नरक भी है और यहीं पर भी स्वर्ग है, हैं यहीं पर नरक है और यहीं पर स्वर्ग भी, क्यों यहीं पर भी दिखाई पड़ता है लोग बड़े दुख कष्ट भोग करते हैं और कुछ कुछ को दिखाई पड़ता है जी बड़े आनंद में रहते हैं बड़े सुख में रहते हैं। इसलिए कहते जो व्यक्ति अधर्म उपाय को द्वारा पैसा उपार्जन करता है उसके लिए एक अलग नरक है जिसका नाम है अंधतामिश्र नरक, जिसका नाम है उसको वहाँ पर भोग करना पड़ता है। हम लोगों ने गत गले इस सब कथा को श्रवण किया था, कहते जो जमपुरी क्या है कहते हैं जैसे किसी कपड़े में जैसे मैला लग जाए उसको क्या करते हैं धोबी घाट में देते, धोबी को देते थे ना, धोबी क्या करते हैं उसको साफ सुथरा करके फिर प्रेस करके अच्छे तरह से हमें दे देता है। ये जो जमपुरी है ये क्या है ये धोबी घाट है, हैं हम जैसे जैसे कर्म किए कर्म का अनुरूप वहाँ जा करके जब हम अपना फल को भोग कर लेते हैं फिर हम शुद्ध होकर के फिर जीव को क्या होता है फिर जीव को वहाँ से चंद्रलोक में भेज देते हैं। जब चंद्रलोक भेजते हैं वहीं से वो चंद्रका का किरण को देख करके वो जीव किसी फल को आश्रय ग्रहण करता है। जब किसी फल को आश्रय ग्रहण करेगा हम कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, एकदम ये सही बात है। अभी जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा ना वो उसी फल को खा सकता है, अगर भाग्य में अगर नहीं लिखा हुआ खा ही नहीं सकते। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य चरितामृत में वर्णना करते हैं जैसे आज तुम्हारे भाग्य में भोजन नहीं है लेकिन तुम्हारे सामने प्लेट आ गया सच करके आ गया लेकिन तुम्हारे भाग्य में आज लिखा हुआ नहीं, अब देखना प्लेट तो आ गया लेकिन उसको भाग्य में लिखा हुआ नहीं ऑलरेडी आ गया पर क्या होगा देखना। कभी कभी संसार में कहीं पत्नी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात बोल दे नहीं तो पत्नी भोजन करने के लिए बैठे पति कोई टेढ़ी मेढ़ी बात बोल दे नहीं तो बच्चों को साथ में कोई लड़ाई झगड़ा होता है हम बैठते हुए थाला से भी खड़े हो जाते बिलाज भोजन नहीं करेंगे, भोजन करने जा रहे थे और तुम हमको ऐसे बात बोल दिया भोजन ही नहीं करेंगे इसका मतलब क्या, जो सामने व्यक्ति दिख रहा है जो तुमको कोई कड़वी बचने बोले वो मूल कारण नहीं है, मूल है आज तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं हमको व्यक्ति खा भोजन करते समय ऐसे बोल दिया तुमने नहीं तो ऐसे लड़ाई हो गया हैं। इसलिए अगर भाग्य में लिखा हुआ होगा ना कहीं भी लिखा हुआ होगा आपको जरूर मिल जाएगा। इसलिए वो कथा सुनाते हैं ना एक संत दूसरे संत को बोले देख हैं
एक दूसरे संत नहीं, एक नास्तिक व्यक्ति को संत कहे ना, देखो तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ वो जरूर मिलेगा। बोले मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे मुंह में थोड़ी कोई खिला देगा। बोले भाग्य में अगर लिखा हुआ ना, कहीं भी चले जाओ वो अपने आप मिल जाएगा। फिर उसने क्या किया, बोले ठीक है दिखता हूँ, अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो मेरे मुँह में कौन खिला देता है। वो क्या किया, घोर जंगल में गया, ए नदी के किनारे में एक पेड़ के ऊपर चढ़ कर बैठ गया। बोले देखता हूँ मेरे को कौन खिलाता है। फिर देखा हठात कुछ यात्री लोग आए, बंजारे लोग आए आकर के, बोले आज यहीं पर भोजन कर बना करके यहीं पर भोजन करेंगे। वो ऊपर ऊपर बैठ कर सब देख रहे हैं, बोला अरे ये घोर जंगल में ये लोग कहाँ से आ गए और इसी पेड़ के नीचे क्यों बैठ गए। और बढ़िया बढ़िया वहाँ पर प्योर घी की पूड़ी ऊपर में खुशबू आ रहा है, हाँ प्योर घी का हलवा बना रहे हैं, वो तो बैठ बैठ के सब देख रही है क्या हो रहा है। फिर गोभी फूल गोभी आलू की सब्जी बना रहे हैं, वो देख रहा है बोले ये क्या हो रहा है, हम जंगल में बैठा पूरी, हाँ घी की खुशबू हलवा की खुशबू पूरी सब्जी की खुशबू आ रहा है। अब इतने में क्या हुआ, वो लोग बना रहे थे, इतने में क्या हुआ, कुछ डाकुओं का वहाँ पर कि किसने आक्रमण कर दिया तो लोग वहाँ भाग रहे हैं, भाई डाकू आ गए। वो लोग भोजन क्या करेंगे, बास उसको वहीं पर छोड़कर भाग गए। जब भाग गए इतने में जो उन लोग आए, किसको भूख लग रहा था, बोले भैया बड़े तेज से भूख लग रहा है, और देखा प्योर घी की पूरी सब्जी हलवा, बोले चलो भैया बढ़िया प्रसाद खाना है, चल बैठ कर खाएंगे। एक कह रहा है सावधान, लगता है किसको पता है ये जंगल में हम डाकू लोग रहते हैं, किसने इसमें जहर मिला करके रखा, वो डाकू आएंगे खाएंगे तो मर जाएंगे, हैं नहीं तो यहाँ पर कौन भोजन बनाएगा, देख आसपास में जरूर कौन। बोले सही बात है सही है। और इधर उधर देखते देखते क्या देखा, वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। बोले देख लिया, हाँ पहले से बोल रहा था ना ये व्यक्ति, ये पीस मिलाकर बैठा हुआ देख रहा है कौन आकर खाए। बोले दुष्ट हमें मरवाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ, नीचे उतर। उसने मना किया मैंने नहीं बनाया। बोले तूने तू नहीं बनाया, यहाँ पर कौन बनाएगा, नीचे उतर। जोर जबरदस्त उतर, बोले खा खाएंगे, थप्पड़ मारे, बोले खाओगे नहीं कैसे। उसको मार मार करके एक व्यक्ति को दो तीन आदमी को भोजन खाना मार मार कर उसको खिलाया है। बोले हमें मरवाना था, तुम मर हम जा रहे। फिर उसको पूर्ण विश्वास हो गया, भैया दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, और भगवान मैंने भगवान से लड़ाई किया ना, हम पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं कौन हमें खिलाता है, हैं मैंने बैठ गया यहाँ पर क्या किया, भगवान मुंह में ठोस ठोस कर खिलाए हमें, ठोस ठोस करके खिलाए मुंह में। इसलिए यहाँ पर कहते भाई क्या, अगर भाग्य में लिखा होगा होगा तुम जहाँ भी चले जाओ तुमको वहाँ मिलेगा ही। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते जिस फल में तुमको खाने का होगा ठीक, उसको कहाँ पर भेज दिया, कौन दूध आया इसलिए तो उन्होंने बोले अब जिस फल को आश्रय ग्रहण करता है वो चंद्र फल, जिसको भाग्य में जो लिखा हुआ उसको उसने वही फल को जाकर खाएगा। जब खाएगा फिर शरीर में क्या बनेगा, फिर रेत बीर्ज बनता है। बीर्ज बनने पर कहते फिर जब पति पत्नी का जब मिलन होता है, मिलन होने पर फिर पत्नी के गर्भ में वो रेत प्रवेश करता है। प्रवेश करने पर पहला जो रात्रि में है, पहला रात्रि में क्या वो स्वर्णित अवस्था में मिश्रित होकर के कहते फिर पांच दिन में क्या होता है, कहते जैसे पानी का बुदबुद होता है वो बुदबुद आकार में पांच दिन में धारण करता है। फिर दसवां दिन में कहते एक बेर फल जैसे है, देखो भगवान सब कुछ बात बता दिए, अभी साइंस अभी रिसर्च करके निकाल रहे हैं लेकिन पहले सबके सब ठाकुर सब कुछ बता दिए। कहते इसमें कर 10 दिन में कर जैसे बेर का फल जैसे ये रूप धारण करता है, हैं फिर कठिन रूप धारण करता है। उसके बाद में फिर एक मांस पिंडला जैसे होता है, वो मांस पिंडला आकार धारण करता है। कहते कैसे, जैसे अंडा होता है ना पक्षी जैसे अंडा होता है, ठीक ऐसे एक अंडा रूप धारण करता है। जब 1 महीना हो जाएगा उसका सर निकलता है, 1 महीना में है, 1 महीना में उसको मस्तक निकलता है। लेकिन जब 2 महीना हो जाता है उस समय में उसको हाथ प्यार, 2 महीना में उसका हाथ प्यार निकलना शुरू हो जाता है। उसको कहते 3 महीना में है, 3 महीना में
उसका 3 महीने में क्या होता है, उसका वो स्त्री होगा ना पुरुष होगा पता चल जाता है, ये बेटा होगा ना ये बेटी होगा, ये 3 महीना में ये पता चल जाता है। उसमें नख नाखून निकल जाता है 3 महीना में, और उसका जो केस है वो केस भी लोम भी निकलता है 3 महीना में, उसको शरीर में हड्डी भी बनना शुरू हो जाता है 3 महीना में, उसको चर्म उसका जो चमड़ा है 3 महीना में उसका चमड़ा भी बनना शुरू हो जाता है, और जो हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारा जो इंद्रियां उसका जो छेद है जैसे मुंह नाक कान ये जितने छेद कहते हैं 3 महीना में ये जितने छिद्र प्रकाश हो जाते हैं ये 3 महीना में, लेकिन 4 महीना में कर 4 महीना में कर जो 7 जो धातु है 4 महीना में 7 धातु बन जाती है, और 5वां महीना में बच्चे को भूख लगने लग जाती है, तृष्णा और भूख लगने लग जाती है ये 5वां महीना में। कहते ये 6 महीना में का 6 महीना में कहते कहते ना बच्चे के ऊपर एक छोटा कवर होता है, हैं जराई को द्वारा जो कि कवर होता है, कहते 6 महीना में बच्चे के ऊपर में ये एक कवर बन जाती है आवृत हो जाती है। बोले 6 महीना में ये बच्चा क्या करता है, कहते माँ की जो दक्षिण जो डाहन का जो कुखी है वो डाहन कुखी में ये 6 महीना में बच्चा कभी कभी उसमें घूमने लग जाता है, हाँ 6 महीना में बच्चा दक्षिण पुखी में घूमने लग जाता है, और उसी समय में हैं उसका शरीर बहुत कोमल होता है, उस समय शरीर बहुत उसको एकदम कोमल होता है, कोमल होने पर उसको फिर उसको भूख लगने लग जाते हैं, हैं भूख लगती है, फिर उसको कभी कभी हैं सुकुम उसका शरीर बहुत सुकुमार होता है, उसको जिस समय 6 महीना में होता है कहते उस समय माताओं को माताओं को गर्भ में बच्चे रहे ना माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे कभी कभी गर्भ में चाय पी लेती है, नहीं तो कभी कभी खट्टा खा लेती हैं, कभी कभी नमकीन खा लेते हैं, कभी कभी मिर्ची खा लेते हैं, भगवान कहते हैं उसको शरीर तो बहुत कोमल होता है, हैं कोमल होने पर उसका शरीर में उसको बड़ा कष्ट पहुँचता है, पर उसको कीड़े भी कभी कभी उसको कीड़े भी उसको काटने लग जाते हैं, कभी कभी गर्भ में रहते हुए कभी कभी वो मूर्छित तो मुहूर् मूर्छा हो जाता है, और इच्छा नहीं रहने पर भी पेट में क्या बोले मल मूत्र है, अंदर में तो पेशाब टाटी ही तो अंदर में है नहीं और खून है, कहते इच्छा नहीं रहने पर भी उसको ये मल मूत्र में उसको बिताना पड़ता है, इसलिए भगवान कहते बोले माँ नरक में जाना पेट में जाना नरक में आना बराबर है, कहते नर्कवास ये पेट की जो गर्भवास है एक नरक का वास यहाँ पर है, इसलिए कहते अम्लादि जितने रस खाते हैं उसको शरीर को बड़ा कष्ट होता है बड़ा वेदना होता है, इसलिए अभी उसको पेट में कितने गर्मी यहाँ पर कह रहे हैं आज अगर रसगुल्ला खाओ ना कल बिष्टा बनकर निकल जाती है, इतनी गर्मी पेट को अंदर में इतनी गर्मी है, कहते हैं जठराग्नि कहते हैं, और उसको अंदर में कि बच्चे को पिंजरा को अंदर में गर्मी को अंदर में उसको जीवन को बिताना पड़ता है बड़ा कष्ट वो करता है। इतने में अभी दैव क्रमे पूर्व जन्म रे स्मृति सत जन्म रे पाप कर्म स्मरण, अभी किसी किसी बच्चे को दैव क्रम में क्या होता है उसको जितने पूर्व जन्म का सब उसको बाद याद आता है, हैं सारे पूर्व जन्म का स्मृति एक एक करके आने लग जाती है, और कितने जन्म की बोले एक जन्म नहीं ठाकुर जी कहते 100 जन्म की उसको बाद पाप कर्म उसको याद आता है, हैं कहते कैसे उसको दीर्घ श्वास छोड़ता है, लेकिन जब ये सब 6 महीना में, लेकिन जब 7 महीना होता है 7 महीना में बच्चे का ज्ञान होता है, जब 7 महीना में बच्चे को ज्ञान होता है उसको विष्टा मूत्र को द्वारा आवृत रहता है, कहते भगवत कृपा में कहते हैं सबका नहीं, कहते जो विशेष जीव होता है वो व्यक्ति क्या करता है फिर भगवान को स्मरण करता है, बोले प्रभु मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया जो कि ये माँ के पेट में मैं आ गया और इतना दुख कष्ट में भोगना मेरे को इतने दुख कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसलिए प्रभु जी मेरे को गर्भ से निकाल दो, हैं
इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बड़े सुंदर उन्होंने भजन लिखा है, क्या है, हाँ कहते भूलिया तो मारे संसार आसिया पे नाना था तुम्हार चरणी आसिया छिया मी बोली बो खेरकता जननी जठरे शिला मजखन विषमा बंधन पासे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिलाए दिन दासे। इसमें भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन करते हैं, प्रभु भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, हम संसार में क्यों आए, बोले आपको भूल गए इसलिए हम ये माया की संसार में आ गए हैं, इसलिए भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पाए पे नाना विधवी था तुम्हारे चरण आसिया अच्छे हमें बोले वो दुख कर कथा कहते जननी जठरे छिला में जखन विषम बंधन पासे, जब मैंने माँ की पेट में हाँ बड़ा बंधन में दुख कष्ट भोग कर रहा था, आपने क्या किया उस समय, एक बार प्रभु देखा दिया मेरे, आपने एक बार हमें दर्शन दिया, दर्शन दिया इसलिए ये जीवन हमने बचा है, अगर आप दर्शन नहीं देते तो हम प्राणी त्याग कर देते, उसी समय में जब दुख कष्ट भोग कर रहा था उसी समय में हमने प्रतिज्ञा लिया, बोले प्रभु एक बार मरे मेरे को जन्म दे दो, एक बार जन्म देने पर उठते बैठते सोते तेरे में भजन करूंगा, तेरे भक्ति करूंगा, लेकिन मेरे जन्म जब हुआ ना ये संसार माया का संसार, माया संसार में पिता माता भाई बंधु, अब देखना बच्चों कितने लाड़ लड़ाते हैं, बच्चे को कितना प्यार देते हैं, इसलिए इनकी प्यार प्रेम पा करके ना धीरे 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 आपका हमने भूल गया, आपका भजन भजन हमने भूल गया, फिर इसी माया के संसार में, फिर माया के संसार में पड़ गए, संसार की चक्कर में, इसलिए कहते ना भगवान कहते हैं यहाँ दुख कष्ट भोग करके बोल रहे हो भजन करोगे, फिर संसार में जन्म दे दूंगा ना भूलते नहीं जाओगे, बोले प्रभु एकदम नहीं भूलूंगा, भगवान कहते अगर भूल जाओगे तो बीच बीच में वार्निंग दूंगा, क्या वार्निंग दोगे, जब बाल पक जाए ये मेरे फास्ट वार्निंग है, मतलब ऊपर जाने का समय आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं, बाल कहाँ से पकता है, कान के पास से, बोले कान में पहला बेल दे दिया सावधान, तू बोल करके आया था ना भजन करोगे, कितने वाला जब कर रहे हो, कितने समय टीवी देख रहे हो, कितने समय इधर उधर के गप्पे मार रहे हो हैं, उसका बात को हम नहीं सुनते हैं, फिर दो बाल पक जाता है, तीसरा बाल, फिर जब खिचड़ी बन जाएगा फिर उसको मेहंदी से रंग कलर कर देते हैं, कहते बोली हम बूढ़ा बूढ़ी हम कुछ नहीं हुए, दूसरा क्या वार्निंग है, आँख में कमजोरी आ जाती है पर चश्मा पहन लेते हैं, तीसरा वार्निंग क्या है, दांत एक एक दांत टूटना शुरू होता है, फिर डेंटिस्ट के पास में फिर 32 दांत लगा लेते हैं, हैं? फिर उसको बाद में फिर चौथा वार्निंग देंगे, क्या चौथा वार्निंग, दो हाथ से दो प्यार से तीन प्यार डंडे पकड़ना शुरू करता है, हैं? डंडे, फिर कहते फिर क्या करूँगा, कमर तोड़ दूंगा बात तुम्हारी, लेकिन तब भी भगवान की बात को नहीं सुनता है, उसको बाद में फिर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, इसलिए लास्ट में फिर जी अपना, इसलिए मैं वर्णना करता हूँ ना, अभी तो भजन नहीं किया, भजन नहीं किया तो बोले चलो हरि नाम नहीं किया तो अभी तेरे को दिखाता हूँ, बस उसको अर्थी सजाते हैं, अर्थी जब सजाते हैं हाथ पैर तो बांध देते हैं, लेकिन उसका सर एक तकिया के नीचे उसका सर रख लेते हैं, सर को तो बांधते नहीं हाथ पैर को, जब ले जाते हैं बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, इसलिए बेटा जिंदगी भर तो राम का नाम लिया नहीं, अरे अभी तो ले ले कम से कम तो उधार हो जाए, लेकिन सर तकिया को वो रहता ना ऐसे ऐसे करते हैं, बोले राम नाम सत्य राम का नाम ले, बोले नहीं नहीं लूंगा अभी भी नहीं लूंगा, बोले अभी भी नहीं लोगे, बोले नहीं, बोले चलो दिखाते हैं तेरे को मजा दिखाते हैं, फिर उसको चीता चीता सजाते हैं, चीता के ऊपर लेट तो बोले अभी तो तू ले ले, अभी भी ले लोगे तेरे कल्याण हो जाएगा, अभी तो ले राम का नाम कृष्ण का नाम, बोले अभी भी नहीं लूंगा, बोले अभी भी नहीं लोगे अभी दिखाता हूँ, उसको मुँह में आग देते हैं, मुखाग्नि कहते ना क्यों क्यों मुँह में आग देते हैं, बोले ठाकुर ने जो मुँह तेरे को दिया था भजन करने के लिए उन मुँह में तो भगवान ने भजन किया ही नहीं, दिन देख भर उल्टा पुल्टा है चुगली निंदा करते रहा,
भगवान का नाम तो निया नहीं देख, उसी मुंह में आग। लेकिन हमारे वैष्णव जगत में मुंह में आग नहीं देते, चरण में आग देते हैं। बोले क्यों? बोले अग्नि एक देवता, बोले जिंदगी भर जो भगवान की भजन किया उसके चरण में आग देते, ये अग्नि भी तुम्हारी चरण की पूजा कर रहा है, अग्नि भी तुम्हारे चरण की पूजा कर रहे। तेरे जीवन धन्य है, ये जीवन पा करके तुमने ये मुंह में ये शरीर से तुमने ठाकुर को सेवा किया, भजन किया, भक्ति किया, इसलिए उनको वंदना करते हैं। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं, कहते इसमें कहते 7 महीना में उसको ज्ञान हो जाता है, कहते भगवत कृपा में आशीर्वाद जाचना ऋषि आत्मदर्श जीव पुनर्बार गर्भ जाता है। भीत हैया गर्भावस्था में स्तव करे, केवल तारा स्तव करे जरा भक्त। इसलिए यहाँ कह रहे हैं गर्भ में ये जो हम बताए ना ठाकुर को स्तव करते स्तुति करते, ठाकुर जी हमें नरक से निकालो, तेरे भजन करूंगा, तेरे नाम जप करूंगा, हैं भगवान को स्तुति करते, ये कौन करता है? ये साधारण जीव नहीं करता है, कुछ पुण्यवान जीव हैं। इसलिए जो विशेष जो भगवत भक्त जो सुकृतिवान सुकृतिवान व्यक्ति वो भगवान की स्तुति स्तव करता है, साधारण व्यक्ति स्तुति स्तव नहीं करता है, हैं। इसलिए वर्णित है बिना जरा भक्त तादर संसार पर वर्णित है बिना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति करने वाले भजन करने वाले उनके लिए ये सब चीज नहीं, वो तो अनाज समय ही गर्भ में भी स्तुति करते हैं और जन्म लेकर के भी भगवान की भक्ति करते, भक्ति करते हुए संसार से पार होकर के चले जाते हैं। तब तो यहाँ पर कहते हैं कहते जो संसार का जो माया है, हैं कहते जो संसार का जो माया ये कितने बलवान जीव कैसे ये माया बंधन में कैसे बंध जाते हैं, ये माया का वर्णन यहाँ पर करते हैं। बोले अकामादि अपिज विष्णु सक्रीत पूजाम प्रकुर्बते न तेषाम भवत बंधो कदाचित अपि जायते सक्रीत। वहाँ यहाँ पर कह रहे हैं है, भक्तों का जीवन कैसे है, यहाँ पर तो बताया ये माया के जीवन बता दिया, अभी भगवान के भक्तों का चरित्र, इनका चरित्र कैसे दिव्य वर्णना करते हैं। बोले अकाम आदि अपिजे विष्णु सकृत पूजाम प्रकुर्बते, कद जीवन में जो एक बार भी निष्काम होकर के भगवान की विष्णु की भगवान की पूजा करता है न तेषाम भवत बंधस्तु कदाचित अपि जायते, कभी उनको ये भवबंधन में दुख कष्ट भोगना नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग आगे जाकर सुनेंगे जब महाराज हैं जब दूतों को एक लिस्ट लिख कर देते हैं, है? एक लिस्ट बना देते हैं किसको किसको जमपुरी में ले आओगे, वो लिस्ट में कहते हैं क्या श्लोक है बोलो, अरे और इसलिए उस श्लोक में कहते हैं क्या श्लोक है, उस श्लोक में लिस्ट में बताए जिहा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जत सीर एकदापि तान आनयधम असत अकृत विष्णु कृत्या। क्या पहला पहला क्या हाँ हाँ इसमें कह रहे जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देम, किस किस को पकड़ करके लाओ, बोले जो जिसका जिह्वा में भगवान का गुण कीर्तन जो नहीं करते, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम। दूसरा चेतस्य न स्मरति जत चरणारविंदम, जो व्यक्ति अपना हृदय में भगवान के चरण कमल को याद नहीं करते स्मरण नहीं करते, बोले कृष्णाय न नमति जत सिर कदापि, जिसने एक बार भी भगवान के चरण में ये सर को नहीं झुकाया, बोले तान अनधम असत, ऐसे असत व्यक्तियों को पकड़ पकड़ करके मेरे पास में ले आना, हाँ बोले विष्णु कृत्या, विष्णु कृत्या मतलब होता है भगवान के उद्देश्य में जिन व्यक्तियों ने कुछ भी जीवन में किया नहीं वो दुष्टों को पकड़ करके मेरे पास में ले आया करना। इसलिए कहते हैं तेसाम न भवत बंध, भक्ति करने वाले व्यक्तियों को ये भव संसार का बंधन नहीं होता है, कदाचित अपि जायते, कहते सकृत एव प्रपर्ण जस तवाम स्मित जाते थे, एक बार भी है भगवान, ये भगवान कौन, भगवान राम कह रहे हैं सप्त सिंधु को साखी करके कह रहे हैं, क्या बोले, बोले सकृत एव एक बार भी अगर कोई बोल दे क्या है, कहते कहते हे प्रभु मैं तेरा और तू मेरा है,
अपने जस मास जाचते अभयम सर्वदा तस्मय ददार एतत व्रतम मम। अगर सच दिल से एक बार प्रभु को बोल दे, भगवान यहाँ क्या कहते हैं, मैं उसको हर समय अभय प्रदान करता हूँ, ये मेरा व्रत है। बोले न तथा से भवित बंध मोह बंधा प्रसंगत जोशीत संगा यथा पुंस यथा तत्संग संगत। कहते अभी बता रहे माया की, माया कैसे, ये माया संसार में जीव कैसे माया संसार में फंस जाते हैं। न तथा से भवित मोह बंध सान्य प्रसंगत, इसी संसार में सबसे जो बड़ा बंधन है संसार में है, संसार में घर गृहस्थ में कहते स्त्री के प्रति जो आसक्ति, ये सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए कहते हैं उसका संग के संग, असत संग से जितना तुम्हारे सर्वनाश, उसका संग का संग से उसी का सर्वनाश उसके संग को द्वारा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं असत संग से हमें दूर रहनी चाहिए। इसलिए कहते हैं असत संग त्याग ही वैष्णव आचार्य स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त है। कहते असत संग से दूर रहनी चाहिए, जो भगवान की भजन नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति को आत्मा में उठनी बैठनी नहीं चाहिए। उसको जरा क्या होगा, संसार की बंधन की हमें प्राप्ति होगी। दिखाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज जल्दी जल्दी जाओ क्योंकि आप लोगों को फिर आना है यहाँ पर। कितना बजे आना है? हाँ सब दल बल को लेकर के आना।